हेलो माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ओके, मैं आप लोगों को इस वीडियो में मॉनिटर और जो ऊपर का टंकी के लिए जो वाल आता है उसके बारे में बताऊंगा। ओके, वो मतलब लगा कहाँ होता है और इसके मतलब उसे ऑपरेट कैसे किया जाता है इसके बारे में भी बताऊंगा। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। यदि आप लोग मेरे इस वीडियो पहली बार आते, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। तो ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा, ये है अपना मॉनिटर का। ओके, ये मॉनिटर का वाल अभी बंद है। देखो, ये जब पाइप जो है ना, जो भी अपना पाइप लगा है सीधा उस के डायरेक्शन में रहेगा। जैसे कि पाइप अभी सीधा दिखाई दे रही है, तो पाइप के सीधे डायरेक्शन में ये रहेगा तो माना जाएगा कि हाँ अभी मतलब कि ये वाल यहाँ पर खुला है। तो ये इस पोजीशन में है तो ये बंद पोजीशन। ओके, तो इसे हम चालू करने के लिए इसको प्रेस करेंगे। इसे ये है, ऐसे प्रेस करके ऐसे ऊपर किया जाता है। ओके, ऐसे ऊपर, जैसे मैं एक बार करके, ये हो रहा है ऊपर, ऐसे होता है। ओके, तो ऊपर का मॉनिटर ये चालू हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये ऐसा है, ये मॉनिटर के लिए है। इसका वाल यहाँ पर लगा है और ये दूसरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वो टैंक के लिए है। ऊपर टैंक है ना, जो भी अपना फायर टेंडर में टैंकर होता है, टैंक है, उसके पानी के लिए है। पानी कहाँ से वहाँ जाएगा, जब हम कभी इनलेट सेक्शन से, जो इनलेट अपना होता है, दिखाता हूँ इनलेट कहाँ होता है। अपना ये इनलेट रहा। ओके, ये सामने जो ये दिख रहा है, ये फायर फ्लाई, ये इनलेट है। तो यहाँ से हम नदी तालाब पोखरी कुएँ से, जैसे मैंने बहुत पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि नदी तालाब मतलब पोखरे कुएँ से कहीं से पानी लेकर के यहाँ से लिया जाता है। जैसे अपना पंप चालू रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो यहाँ से पानी अंदर जाएगा और यहाँ से पानी अंदर जाने के बाद, ओके, ये प्रेशर गेज है और ये उसका हाई प्रेशर गेज है और यहाँ से ये इसके यहाँ से जाएगा। ओके, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप से बन के ये ऐसे करते इस पंप इस टैंक में जाएगा, ऊपर से टैंक में पानी भरेगा। और ये साइड वाला मॉनिटर का है, जैसे मैंने पहले ही बताया। ओके, और मैं आप लोगों के इसके बहुत वीडियो बनाए हैं और बताए भी हैं, पर बस इस वीडियो में यही रहेगा कि अपना किसके लिए है, ऊपर के लिए है, मॉनिटर के लिए वाल यहाँ पे रहता है। ये साइड में जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये मॉनिटर के लिए वाल है। फायर फाइटिंग करने से पहले इसे हमें चालू करना होता है, इमरजेंसी के समय हम भूल जाते हैं। ओके, हमें याद रखना पड़ता है। और ये है अपने टैंकर के लिए, टैंक के लिए। ओके, ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये वाला, तो टैंक के लिए हमें ये भी मतलब कि चालू करना पड़ता है। जब भी कहीं यदि हम फायर फाइटिंग करने जाएँ या पानी की आवश्यकता जहाँ कहीं भी पड़े, तो वहाँ पे इसको हमें ऑपरेट करना चाहिए। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, यही मेरा आज रहा वीडियो में कि इसका वाल कहाँ होता है मॉनिटर का। ओके, पहले इसे ऑपरेट करना चाहिए, उसके बाद चालू करना चाहिए। ओके, तो चलो, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।